धरती पर 7 अजूबे हैं जो अलग अलग देशों में हैं और अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कई हजार साल पहले धरती पर एक ऐसा लाइट हाउस भी था जिसे दुनिया के 7वें अजूबे के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये लाइट हाउस गायब हो चुका है, जिसे ढूंढने के लिए इतिहासकार और शोधकर्ता पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने लाइट हाउस के बारे में, जो आज एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। मिस्र के सबसे खूबसूरत शहरों में से अलेक्जेंड्रिया को 331 बीसी में अलेक्जेंडर ने बसाया था, जो आज के दौर में भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लिहाजा यहाँ समय समय पर शोधकर्ता रिसर्च वर्क को अंजाम देते हैं। आज से लगभग 2350 साल पहले मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर का अपना एक महत्व हुआ करता था, जो वैश्विक स्तर पर समुद्री व्यापार करने के लिए जाना जाता था। इतना ही नहीं, इस शहर में एक 100 मीटर की ऊंचाई वाला लाइट हाउस बनाया गया था, जो समुद्री जहाजों को समुद्र के किनारे तक पहुँचने में मदद करता था। बीतते समय के साथ अलेक्जेंड्रिया शहर विश्व भर में फेमस होता जा रहा था, जबकि यहाँ लाइट हाउस को लोग दुनिया का 7वां अजूबा मानने लगे थे। उस दौर में दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा लाइट हाउस नहीं था, इसलिए इसे पहला और सबसे रोमांचक लाइट हाउस माना जाता था। उस समय दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबे मिस्र में ही थे, जिसमें पहला गीजा का पिरामिड और दूसरा लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। इस लाइट हाउस को लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया था, जो उस दौर में आम लोगों के लिए बिल्कुल नई और अनोखी चीज हुआ करती थी। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में अलेक्जेंड्रिया शहर में घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको समुद्र किनारे ये लाइट हाउस नजर नहीं आएगा। आखिर क्या हुआ था इस लाइट हाउस के साथ, जो 7वां अजूबा कहलाए जाने के बावजूद भी आज पूरी तरह से गायब हो चुका है। इस लाइट हाउस की तस्वीरें और उसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको किताबों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये असल में कैसा दिखता था उसे लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। बताया जाता है कि ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ था, जबकि इसकी ऊंचाई को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि ये इतना लंबा था कि इसके सबसे ऊंची मंजिल से पत्थर फेंकने पर उसे पानी तक पहुंचने में लगभग 2 दिन का समय लगता था। ये लाइट हाउस समुद्री और व्यापारी जहाजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता था, जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रिया शहर की अच्छी खासी समृद्धि हो रही थी। लेकिन बीतते समय के साथ शहर की सरकारी व्यवस्था बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से लाइट हाउस को लावारिस छोड़ दिया गया। इसके बाद लाइट हाउस की मरम्मत का काम भी रोक दिया गया, जिसकी वजह से इमारत की दीवारें धीरे धीरे कमजोर होने लगी और देखते ही देखते लाइट हाउस समुद्र के अंधेरे में हो गया। इन सब चीजों के बीच समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लाइट हाउस की नींव और निचली मंजिल पानी में डूब गए थे। इसके बाद साल 1480 में धरती की अंदरूनी प्लेट्स में हलचल की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से एक ताकतवर भूकंप विकसित हुआ था। इस भूकंप की वजह से लाइट हाउस की जड़ें हिल गईं, जिसकी वजह से वो समुद्र के पानी में जलमग्न हो गया। आज से लगभग 550 साल पहले इस लाइट हाउस का नामो निशान पूरी तरह से मिट गया था, जो लगभग 1700 साल तक मिस्र की शान बना हुआ था। शुरुआत में मिस्र के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उनके देश की शान लाइट हाउस समुद्र में डूब गया है, जबकि इसके डूब जाने से समुद्री जहाजों को भी काफी दिक्कत होती थी। लेकिन बीतते समय के साथ सभी लोगों ने लाइट हाउस की गैर मौजूदगी को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद इस लाइट हाउस की यादें और तस्वीरें आम लोगों की यादों से धुंधली होने लगी। हालांकि इस लाइट हाउस का कुछ किताबों में जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से शोधकर्ता इस लाइट हाउस के इतिहास को जानने में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। इस लाइट हाउस को खोजने के लिए फ्रेंच शोधकर्ताओं की एक टीम ने काम शुरू किया था, जिनका ये अनुमान है कि प्राचीन लाइट हाउस उस जगह पर था जहाँ वर्तमान समय में अलेक्जेंड्रिया शहर का बंदरगाह है। ये फ्रेंच शोधकर्ताओं की टीम पिछले 20 साल से समुद्र के अंदर खोए हुए लाइट हाउस को खोजने की कोशिश कर रही है, जिसमें साल दर साल नई टेक्नोलॉजी और एडवांस डिवाइस का यूज किया जा रहा है।
वर्तमान समय में शोधकर्ताओं की टीम अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइट हाउस को खोज रही है, जिसमें समुद्र के अंदर पानी में तस्वीरें क्लिक की जाती हैं। ये शोधकर्ता जानना चाहते हैं कि लाइट हाउस का असल आकार, डिजाइन और लंबाई क्या थी, ताकि उसकी मदद से कंप्यूटर पर एक डिजिटल लाइट हाउस को बनाने में सफलता हासिल की जाए। इस रिसर्च को पूरा करने के लिए शोधकर्ताओं की टीम समुद्र के पानी में गहराई में डुबकी लगाती है, जहां उन्हें ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। इन चट्टानों और पत्थरों को देखने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि उन्हें हथियारों से काट कर अलग शेप देने की कोशिश की गई है, क्योंकि सामान्य या प्राकृतिक चट्टानों का डिजाइन बेहद अलग होता है। लेकिन समुद्र की गहराई में इन चट्टानों का मिलना ये साबित नहीं करता है कि ये अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के अवशेष हैं, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अब तक लाइट हाउस के डिजाइन और बनावट में काफी अंतर देखने को मिलता है। लाइट हाउस की गुत्थी सुलझाने के लिए फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, जिसमें सैकड़ों तस्वीरों को एक साथ जोड़कर 3D वीडियो में तब्दील किया जाता है। 28 हफ्तों तक समुद्र में डुबकी लगाकर लगभग 50,000 से ज्यादा तस्वीरें क्लिक की गई थी, जिसकी मदद से एक 3D मॉडल बनाकर तैयार किया गया था। इस 3D मॉडल को देखकर पता चलता है कि इसमें 3,000 से ज्यादा पत्थर की ब्लॉक और चट्टाने हैं, जो 3 एकड़ की जमीन में फैले हुए दिखाई देते हैं। हालांकि कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3,000 ब्लॉक्स को आपस में जोड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि शोधकर्ताओं को एक ऐसे लाइट हाउस का डिजाइन तैयार करना था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उन चट्टानों में कुछ खंभे और ब्लॉक ऐसे थे जो लाइट हाउस की गुत्थी को सुलझाने में काफी मददगार साबित होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस विलुप्त हो चुके लाइट हाउस का एक बहुत बड़ा ब्लॉक समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है, जिसे देखकर शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये दरवाजे के साइड में लगाया जाने वाला पत्थर था। इसी तरह के कुछ पत्थर समुद्र के अंदर पानी में डूबे हुए मिले थे, जिन्हें जब 3D मॉडल के जरिए आपस में जोड़ा गया तो वो हूबहू एक दरवाजे का आकार ले रहे थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बीच में लकड़ी का दरवाजा होगा, जिसकी मदद से लाइट हाउस के अंदर एंट्री ली जाती होगी। इस 3D मॉडल से पता चलता है कि लाइट हाउस की लंबाई 41 फीट थी, जबकि उसका वजन 200 टन के आसपास था। शोधकर्ताओं को लाइट हाउस का दरवाजा बनाने में सफलता मिल गई थी, लेकिन पूरी की पूरी इमारत कैसी दिखती थी, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं को अभी बहुत मेहनत करनी थी। इस शोध कार्य के दौरान शोधकर्ताओं ने उस जगह पर रिसर्च की जहां किसी जमाने में लाइट हाउस हुआ करता था। वर्तमान समय में इस जगह पर कैटबे फोर्ट नाम की बिल्डिंग है, जिसे साल 1477 में बनाकर तैयार किया गया था। जब शोधकर्ताओं ने बिल्डिंग का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल किसी लाइट हाउस के गुंबद की तरह लगता है। रिसर्च से पता चलता है कि लाइट हाउस के गिरने के महज 42 साल के बाद ही इस इमारत को बनाकर तैयार किया गया था, इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बिल्डिंग को भी उन्ही मजदूरों और कारीगरों ने बनाकर तैयार किया है जिन्होंने लाइट हाउस को बनाया था। इसके अलावा बिल्डिंग की अंदरूनी डिजाइन भी काफी हद तक लाइट हाउस से मिलती जुलती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि इस इमारत को लाइट हाउस की याद में बनाकर तैयार किया गया है। लाइट हाउस के असल डिजाइन को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने साल 1325 में इब्न बटूटा द्वारा लिखी गई किताब मिली थी। इस किताब में लिखा गया था कि लाइट हाउस की दीवारों की मोटाई 10 स्पैन्स यानी लगभग 10 हथेलियों के बराबर है। दरअसल उस दौर में किसी चीज की लंबाई या मोटाई मापने के लिए हाथ का यूज किया जाता था, जिसमें अंगूठे से छोटी उंगली तक के बीच की लंबाई को 1 स्पैन कहा जाता था। इस हिसाब से देखा जाए तो एक सामान्य इंसान के हाथ का 1 स्पैन 8 इंच के बराबर होता है। इस हिसाब से 8 स्पैन्स का मतलब 6 फीट 7 इंच के आसपास होता है। जब 3D मॉडल के लाइट हाउस की दीवारों को तैयार किया गया तो उनकी मोटाई 6 फीट 10 इंच के आसपास थी। शोधकर्ताओं को ये पता चल चुका था कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई किताब में लाइट हाउस का बिल्कुल सटीक ब्यौरा दिया गया था, जिस पर यकीन करके शोधकर्ता खोए हुए लाइट हाउस का 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद शोधकर्ताओं ने लाइट हाउस का 3D मॉडल तैयार किया जिसका डिजाइन हूबहू कैटबे फोर्ट से मिलता जुलता था। इस मॉडल में देखा जा सकता है कि लाइट हाउस के दरवाजों के आसपास मूर्तियां बनी हुई थीं, जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता को प्रदर्शित करती हैं। उस दौर में ये लाइट हाउस दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक हुआ करता था, जिसके टॉप पर लोहे से निर्मित आईने लगे हुए थे। ये आईने दिन के समय में सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे, जबकि रात के समय इसके पास आग जलाकर समुद्री जहाजों के लिए रोशनी की जाती थी। लेकिन प्राकृतिक आपदा और सही रखरखाव ना होने की वजह से लाइट हाउस तबाह हो गया, जो समुद्र की गहराइयों में कुछ इस तरह डूबा कि इसके अस्तित्व को तलाशने में शोधकर्ताओं को 20 साल से ज्यादा लंबा वक्त लग गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस वर्तमान समय में अस्तित्व में होता तो ये पर्यटकों के बीच एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन सकता था। इतना ही नहीं, ये लाइट हाउस अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से भी दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता था। लेकिन 1700 साल तक समुद्र की लहरों के बीच खड़े रहने वाले लाइट हाउस को अब सिर्फ 3D मॉडल में ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया का 7वां अजूबा कहलाए जाने वाला लाइट हाउस रातों रात कहाँ गायब हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।